प्यारे बच्चों नमस्कार, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलपीपी में कुछ लैंग्वेज यानी कि भाषा वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चलो पढ़ो तो क्या है, दो दर्जी ए और बी प्रतिदिन क्रम से 150 रुपया और 200 रुपया कमाता है। कितना कमाता है? 150 रुपया और 200 रुपया कमाता है, समझ गए? ए 6 शर्ट और बी 4 पैंटों की सिलाई प्रतिदिन कर सकता है, जबकि बी 10 शर्ट और 4 पैंटों की सिलाई प्रतिदिन कर सकता है। तो कहता यदि कम से कम 60 शर्ट और 35 पैंट का उत्पादन करना हो, 32 पैंट का उत्पादन करना हो तो लेबर खर्च न्यूनतम होने के लिए रैखिक प्रोग्रामिंग का गणितीय सूत्रीकरण करें। यहाँ पर सूत्रीकरण बोल रहा है करने के लिए, यानी कि फॉर्मूला निकालना है, और सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, समझ गए? तो कैसे बनता है ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा, तो सॉल्व इस प्रकार से होगा। दो दर्जी है, समझ गए? कौन कौन सा दर्जी है? दर्जी है ए और दर्जी है बी, ठीक। दो दर्जी ले लिए ए और बी, और देखो तो क्या बनाता है। देखो फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए तरीका सीखो, फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या क्या बनता है बोलो तो, शर्ट और पैंट, बोलो क्या क्या बनता है, शर्ट बनता है और पैंट बनता है, समझ गए? ये दोनों भाई साहब बनता है, क्या क्या बनता है, शर्ट और पैंट, ठीक है। देखो तो ए कितना शर्ट बनाता है, 6, ए 6 शर्ट बनाया और 4 पैंट बनाया, ठीक है, और बोलो तो बी, बी 10 और 4, ये हो गया 10 और ये हो गया 4, इतना पैंट बना सकता है, ठीक है, इतना बना सकता है, चलो वेरी गुड। अब एक चीज देखो तो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि उसको कम से कम कितना शर्ट की जरूरत है, 60 और पैंट कितना, 32, यानी कि शर्ट कितना चाहिए, शर्ट चाहिए 60 और पैंट कितना चाहिए, 32, अब कम से कम यानी कि 60 या 60 से ज्यादा, कम से कम का मतलब कितना हो गया, 60 या 60 से ज्यादा, उस केस में ये वाला सिंबल होगा, 60 या 60 से ज्यादा, और उसको कितना पैंट चाहिए, कम से कम 32, कम से कम 32 का मतलब या तो 32 हो या फिर 32 से ज्यादा, समझिए, या फिर कितना हो, 32 या 32 से ज्यादा। और अब हम लोगों को बनाना है, क्या करना है, खर्च को मिनिमाइज करना है ना, तो हम लोगों को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज मिनिमाइज खर्च को देखो क्या कर रहा है कि न्यूनतम होना चाहिए, लेबर कॉस्ट क्या होना चाहिए, न्यूनतम। जैसे आप मजदूर रखिएगा तो आपका एम क्या है कि जितना कम से कम आपका खर्च हो सके, हाँ या नहीं, आपका एम क्या होना चाहिए, आप जितना कम से कम खर्च कर सके, किसके पीछे, मजदूर के पीछे, यानी कि मजदूर के कॉस्ट को आप क्या कीजिएगा, मिनिमाइज कीजिएगा, क्या कीजिएगा, मिनिमाइज कीजिएगा, यानी कि मिनिमाइज किसको करना है, खर्च को। तो देखो तो 150 रुपया किसका खर्च है, 150 रुपया ए का है, और जो है बी पे कितना खर्च है, बी पे खर्च है कितना, 200, बी पे कितना खर्च है, 200, मान लेते हैं क्या, अच्छा यहाँ पर लिख दो 200, क्या लिख दिए, 200, मान लेते हैं क्या कि ए भाई साहब जो है एक्स दिन काम किया, ए भाई साहब कितना दिन काम किया, नेक्स्ट दिन, और बी भाई साहब कितना दिन काम किया, वाई, ए कितना दिन काम किया, एक्स दिन, तो जितना दिन काम किया उतना गुना 150 ए ना जी, और बी कितना दिन काम किया, वाई, बी का वाई दिन काम किया है, तो एक दिन में कितना कमाता है, 200, तो वाई दिन में कितना कमाएगा, 200 गुना वाई, ए एक दिन में कितना कमाता है, 150, और ए कितना दिन काम किया है, एक्स, यहाँ पर एक जगह लिख दो, माना कि ए एक्स दिन
काम करता है तथा बी वाई दिन काम करता है। समझ गए? ए कितना दिन काम करता है? एक्स दिन। बी कितना दिन काम करता है? वाई दिन। ठीक है, अब देखो इसको मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कैसे होगा? तो देखो ए जो है एक दिन में कितना सेट बनाता है? छह। ए कितना दिन काम किया है? एक्स दिन। ठीक है, बी एक दिन में कितना सेट बनाता है? दस। लेकिन बी कितना दिन काम किया है? वाई दिन। समझ गए? ए जो है कि एक दिन में कितना सेट बनाता है? छह। और कितने दिन काम किया है? एक्स दिन। बी एक दिन में कितना सेट बनाता है? दस। और कितना दिन काम किया है? वाई। ठीक है, यानी कि मान लो क्या कि जैसे दो दिन मान लो कि ए काम किया और तीन दिन वाई काम किया, तो कुल मिलाकर जितना हुआ उतना आइटम बना ना जी? उतना आइटम बना, लेकिन सेट बना कितना है? साठ या साठ से ज्यादा है, यानी साठ या साठ से ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। इसी प्रकार से ये भाई साहब चार पैंट बनाता है एक दिन में, लेकिन एक कितना दिन काम किया है? एक्स दिन। तो एक्स दिन में कितना सेट बनेगा? 4x। यानी एक्स दिन में कितना सेट बनेगा? 4x प्लस, देखो बी एक दिन में कितना पैंट बनाता है? चार। और कितना दिन काम किया है? y, यानी कि 4y और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 32, क्योंकि कम से कम उसको कितना बनाना है? 32। कम से कम कितना बनाना है? 32। ठीक, देखो यदि कॉमन है तो कॉमन लेकर काट दिया जाता है, दैट इज यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? तीन, तीन नहीं दो, तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 30। चार कॉमन आएगा ना, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 32। एंड या तो बेटा वो पैंट बनाएगा या पैंट नहीं बनाएगा, यानी कि या तो वो काम करेगा या फिर काम नहीं करेगा। यदि एक काम नहीं करता है तो उसके लिए जीरो हो जाएगा, निगेटिव में कोई काम करेगा जी, इसीलिए किसी भी हालत में x और y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या तो काम करेगा या फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, और याद कीजिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक, ये हो गया दो, ये तीन और ये भाई साहब चार। अब तो हम लोग आराम से ग्राफ बना सकते हैं ना। अब डायरेक्ट ग्राफ ये बनाओ परीक्षा में बेटा, जो है ना कि एने ओने नहीं करना है, क्या करना है? डायरेक्ट ग्राफ बना दो एक्स वाई। हाँ, लेकिन हमेशा थोड़ा सा अपने पास स्पेस रखना है, क्या पता कहीं पे सॉल्व करना पड़ जाए। नहीं, अपने पास सॉफ्ट हैंड में, हाँ मतलब कि आपको रखना है, क्या पता बाद में काम पड़ जाए। तो जैसे देखो टू इम्प्लाइज यहाँ पर जगह रख दिए, थोड़ा सा पॉइंट निकाल लो तो बोलो कितना हो जाएगा? एक्स वाई, एक्स जीरो तो वाई छे, और वाई जीरो तो एक्स दस। ठीक है, और लगे हाथ तुम तीन से भी निकाल लो तो तीन से बोलो तो कितना हो जाएगा? एक्स वाई, एक्स जीरो वाई आर, वाई जीरो एक्स आर। एक्स मैक्सिमम 10 दिख रहा है ना, आया नहीं? एक्स मैक्सिमम कितना है? 10। वाई मैक्सिमम कितना है? 8। तो एक्स पे ऐसा करो यहाँ पे ले लो 10, और ये भाई साहब कितना ले लिया? 8। कितना ले लिए? 8, आया नहीं? ठीक है, अब देखो पॉइंट लेना, 0 6 एक्स एक्सिस एक्स जीरो है, वाई कितना है? 6। एक्स जीरो का मतलब वाई एक्सिस, एक्स जीरो का मतलब वाई एक्सिस पे 6। ये 8 है ना, तो 8 का आधा 4, 4 से थोड़ा ऊपर, ये भाई साहब 6 होगा। कितना होगा बोलो तो? 6। ये भाई साहब जो है 6 होगा, तो 6 जीरो हो गया, इसका नाम लिख दो ए। और 10 जीरो, वाई जीरो का मतलब एक्स एक्स एक्सिस पे 10, एक्स एक्सिस पे 10, इसका नाम दे दो उल्टा लिख दिए, क्या उल्टा लिख दिए? चलो ठीक है, उल्टा सुल्टा, उल्टा सुल्टा हो गया। ठीक है, अब चलो मिलाओ। तो बेटा एक चीज याद रखना,
कि जितना दिक्कत होती है बोर्ड पे बनाने पे उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है ग्राफ पे। तुम लोग कल टेस्ट दिया ना, बताओ ग्राफ पे आसानी से निकला कि नहीं? निकला ना जी, ग्राफ पे ज्यादा आसानी से निकलता है और ऐसे बनाने पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए ग्राफ का इस्तेमाल जरूर करना। प्रैक्टिस भी ग्राफी पे करना, घर पे प्रैक्टिस भी ग्राफ पे करना। चलो इसका नाम दो तो, बोलो नाम कितना है? 3x + 5y बराबर कितना? 30। चलो कहां तक लिए है? 4 तक लिए है ना, इसको मान लो 5 नंबर से निकला। क्या मान लिया बोलो तो? 5 नंबर, समझ गए? इस भाई को 5 नंबर ले लो। चलो थोड़ा सुधार कर दिए, 5 नंबर हो गया। सही है कि गलत है? देखो तो जीरो पुटो तो, जीरो पुटो तो जीरो, जीरो 30 से बड़ा होगा जी, है या नहीं? नहीं ना होगा। ये भाई साहब बड़ा नहीं होगा तो गलत ना हो गया? गलत हो गया तो मूल बिंदु से दूर, गलत हो गया तो मूल बिंदु से दूर। चलो दूसरा लो तो, x0 y8, ये वाला पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया? यानी कि इसका नाम हो गया 0 1। बोलो क्या नाम हो गया? 0 1। इसका नाम दे दो C। क्या नाम दे दिया बोलो तो? C। अब फिर तुम्हारा है y0 तो x1। y0 मतलब x-axis, x-axis पे r, मोटा मोटी यहीं पे कहीं होगा, आया नहीं? यानी कि r0, ये भाई साहब हो गया d। और क्या करो, इसको मिला दो, हाँ इसको मिला दो। ये बोलो तो समीकरण, बोलो तो समीकरण हो गया x + y = r, और ये कौन सा? 6 नंबर। बोलो कौन सा हो गया? 6 नंबर। देखो सही है कि गलत है? 0 0 पुटो तो 0 + 0 कितना? 0 0 8 से बड़ा हो सकता है? आया नहीं जी, 0 8 से बड़ा नहीं हो सकता, गलत ना हो गया? यानी कि भाई साहब मूल बिंदु से दूर जाएगा। मूल बिंदु से कहां जाएगा? दूर। देखो तो कॉमन रीजन क्या मिला? देखो तो यही ना जी, कि कौवा उड़ ना हो गया? देखो कौवा उड़, ये भाई साहब जो है, देखो वहां पर रंगीन करके दिखाना पड़ता है, समझ गए? एग्जामिनर को बेटा रंगीन करके दिखाना, वो अंधा होता है, उसको एकदम दिखना चाहिए बढ़िया से कि कौन सा पार्ट रंगीन है, है या नहीं? इससे अच्छा कॉपी में चश्मे बचा देंगे। हाँ जैसे है, एग्जामिनर को दिखना चाहिए ये कौवा उड़ हो गया, है या नहीं जी? कहे कि कौवा यहाँ पर रखेंगे तो कौवा क्या होगा? उड़ जाएगा। कौवा उड़ बनाने का तरीका वही है, लास्ट का 2-3 लाइन तुम्हारा हो जाता है वेरिफिकेशन। क्या करना पड़ जाता है? वेरिफिकेशन। चलो यहाँ पर जो है ना, एक नया पॉइंट एंट्री हो गया ना, है या नहीं जी? कौन सा पॉइंट एंट्री हो गया? नया पॉइंट। चलो नया पॉइंट को सॉल्व करो तो 5 घटाओ, हाँ 5 घटा कर दो 6, और 6 में गुना कर दो 5 से, इसमें गुना कर दो 3 से कर दे, चलो 3 से कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो तो? 3x + 5y = 30। ये तुम्हारा 3x + कितना जी? 3y, 8 + 24। ये खत्म, कितना हो गया? 2y = 8, y = 6 बचा ना, कितना बच गया बोलो तो? 6। ये कितना बचेगा? 3। बोलो कितना बचेगा? 3, आया नहीं? ये 3 हो गया ना, y के वैल्यू कितना मिल गया? 3। y का मान रख दो तो 6 implies यहाँ पे 3 रखेंगे ना, आया नहीं? 3 रखेंगे तो y = 3, तो x = कितना मिलेगा? 5, आया नहीं? कहने का मतलब है x = 5, y = 3। बोलो x = क्या मिला? 5, और y = 3। तो x = हो गया 5, y = 3। इसका नाम क्या दे दिए? नाम क्या दे दिए? आया नहीं? अब बेटा देखो, अब तो पहले उतारो, उतारने के बाद में फिर तो बहुत आसान काम है ना, इसको तेजी से उतारो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौवा उड़ में वेरिफिकेशन होता है ना, कौवा उड़ में हम लोग वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है? ए सुनो, अब लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। बोलो तो क्या लिखेंगे?
कॉर्नर पॉइंट्स, और एने क्या हो गया बोलो तो, जेड बराबर ए कितना था, जेड सो एक्स कितना था, जेड सो एक्स प्लस 200 वाई, ठीक है। ए चलो बोलो कॉर्नर पॉइंट बोलो तो पहले क्या है, जीरो ए सी जीरो ए सी जीरो ए, फिर बोलो तो ई फाइव थ्री E53, फिर बोलो तो B10 0, B हो गया 10 0, चलो ठीक है। ए बेटा चलो वैल्यू निकालो, ए यहाँ पे जीरो रखेंगे खत्म, आया नहीं, और 8 × 2 = 16, यानी कि 1600 रुपया हो गया, आया नहीं जी, बोलो, और यहाँ पे 5 रखेंगे ना, बोलो 15×5 = 75, यानी कि 750 और 3 × 2 = 600, 6×6 = 1350, बोलो कितना हो गया 1350, बोलो कितना हो गया 1350, हाँ यानी जी 1350, फिर बोलो तो 1500, ये जेड बराबर कितना हो गया 1500, हाँ यानी बोलो कितना हो गया जेड बराबर 1500, और हम लोगों को मिनिमाइज करना था कि मैक्सिमाइज, मिनिमाइज करना है, मिनिमम कितना है ये भाई साहब देखो परीक्षा में भी ऐसे लिख देना, मिनिमम समझ गए, लिखेंगे देयरफोर जेड मिनिमम या मिनिमम जेड, कुछ कहते परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, जेड मिनिमम या मिनिमम जेड कितना हो गया जी 1350 रुपीज, पैसा ना है, पैसा है तो रुपया नहीं देगा, पैसा है तो रुपीज लिखेंगे, रुपीज 1350 कहाँ पर, ए एक्स बराबर 5 वाई बराबर 3, यानी कि एक्स का मतलब ए कितना दिन काम करेगा 5 दिन, वाई कितना दिन 3 दिन, अर्थात अतः ए 5 दिन तथा बी 3 दिन, 3 दिन काम करेगा, समझ गए, ये मिनिमम कॉस्ट के लिए ए को कितना दिन घटाना है 5 दिन, और बी को कितना दिन घटाना है 3 दिन, समझ गए। लेकिन एक चीज देखा बेटा, ध्यान दिया, देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा था, को पंच सी रहा था, शर्ट पैंट 6 और 4, अभी 10 और 4, जबकि बी का एक दिन में काम करने की क्षमता ज्यादा है, यस यस सर, ए एक दिन में 6 गो शर्ट सीता है, और 4 गो पैंट, बी एक दिन में 10 गो शर्ट सीता है, और 4 गो पैंट, बी की क्षमता ज्यादा है ना, फिर भी आप तो कहेगा जो ज्यादा काम करता उसी को रखेंगे ना, फिर भी आप उसको कम मौका दे रहे हैं, कितना मौका दे रहे हैं 3 को, ए को ज्यादा मौका दिए, क्यों, क्यों नहीं, ए कम काम करता है तो उसको नहीं ना मौका देंगे जी, आपको तो ज्यादा कमाना है ना, आप इसीलिए उसको मौका दिए, क्योंकि ए एक दिन में 150 टका लेता है, अब बी का एक दिन का रेट कितना है 200, या नहीं, तो सब कुछ मिलाकर चलना पड़ता है। लेकिन अभी भी ये हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है आप 100% नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये कौवा उड़ वाली बात है, ये कौन सी बात है, कौवा उड़, कौवा उड़ में आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है, वेरिफिकेशन, ए सुनो क्या करना पड़ता बोलो तो, वेरिफिकेशन, इसमें रखो, इसमें इसका नाम हम लोग एक रखे थे ना, 1 implies 150x + 200y, समझ गए, और ये भाई सब मिनिमम हमको चाहिए ना, मिनिमम कितना पैसा 1350, कितना पैसा हो गया, अरे हमको मिनिमम यहाँ कितना टका लगा दी 1350, हाँ या नहीं, इसमें से एक एक जीरो बल्कि 50 से कट जाएगा, 50 × 150, अब 50 100 के एने बोलो तो, एने कितना हो गया बोलो तो, 50 पहले 50 100 के 50 बल्कि 50 2 ना जी 50 2 = 100,
और 50 सते 40 सते कितना 27 हो गया, कितना हो गया 27, समझ गए कितना हो गया बोलो तो 27, ये ना जी 50 से भाग दिया तो 50 सौ के और ये कितना हो गया 50 टी आई। अब क्या करो इससे पॉइंट ले लो, इससे बोलो तो क्या ले लेंगे पॉइंट एक्स वाई, एक्स जीरो रखो तो वाई कितना, ये तुम्हारा 27/4 ऐसे सुनो तो 27/4 तो 6 चौके 24 कितना बच गया 3 ना 0 दिए 30 7 चौके 28 यही ना जी, यानी कि 6.75। अच्छा एक बार y 0 ले लो तो y 0 दोनों के कितना हो गया 27, और साथ ही साथ जो है साथ ही साथ एक और पॉइंट ले लो, देखो तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है क्या, मान ले कि हम x ले लेते हैं 5, x कितना ले लिए 5, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और y क्या ले लेंगे 3, y क्या ले लेंगे 3, तो 4 तिहाई 12, 12 और 15 कितना 27, हाँ यानी 12 और 15 कितना 27। हमेशा जो है ना जहां पर ये बीच वाला पॉइंट आएगा ना एगो वो पॉइंट जरूर लेना, ये पॉइंट जरूर लेना, जैसे कि हम 0-0 चेक करके निकाले ना जी, फिर एगो ये वाला पॉइंट हम ले लिए, ठीक क्यों लिए अभी आपको बताते हैं। अब आपके पास 3 पॉइंट है, yes. 3 पॉइंट में 0 और 0.7 एक्स 0 वाई कितना जी 0.7 मोटा मोटे ये कहीं होगा 0 और 0.7 6.75 बुझा मेरी बात को, फिर इन्हें देखो तो y 0 x एक्सिस पे 9 x एक्सिस पे 9 मोटा मोटी यहाँ पर होगा 9-0 है या नहीं बोलो, एगो तुम्हारा ई पॉइंट है या ना है। अब इससे मिलाते हुए एक लाइन खींचो, देखो इससे मिलाते हुए एगो लाइन खींचे, खींच ले लाइन और इसका नाम दे दो समीकरण का, कौन सा समीकरण हो गया 3x + 4y = 27। और अब देखो कि यह सही है कि गलत है, सही यहाँ पे 0 पुटो तो सही है, 0 पुटे x 0 और यहाँ पर y 0 रखे तो 0 + 0 = 0 27 से कम होगा नहीं, और नहीं बोलो 27 से कम होगा सही कि गलत, सही कि गलत, सही तो मूल बिंदु की तरफ, सही तो किधर आएंगे ई रेखा के नीचे, किधर आएंगे ई रेखा के नीचे और ऊपर घुसा नहीं ना घुसा, यदि फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं है, सुन लो यदि फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं है तो मेरा मिनिमम वैल्यू मिनिमम ही होगा और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम होगा, यदि ये ऊपर घुस जाता किसी तरह से तो मेरा मिनिमम वैल्यू मिनिमम नहीं होगा और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगा, यहाँ तो नहीं ना घुसा जी, नहीं ना घुसा, यहाँ पर लिखेंगे नो, ज्यादा भाषा में लिखेंगे, देखो भाषा कैसे लिखेंगे, नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन, हाँ नो कॉमन सॉल्यूशन, मतलब भाषा हम काट रहे हैं, समझ गए आप लोगों को भाषा से दिक्कत ना है, अरे तुम लोग बोल रहे थे भाषा से दिक्कत है, जरूर भाषा काट रहे हैं, इन्हें लिख पाएगा नो कॉमन सॉल्यूशन लिख पाएगा ना, देयरफॉर यहाँ पर लिख दो देयरफॉर मिनिमम जेड बराबर रुपीज कितना 1350 कहाँ पे ए एक्स बराबर कितना एक्स बराबर 5 वाई बराबर 3 दैट इज ए 5 दिन काम करेगा तथा बी 3 दिन काम करेगा। अब एक बात बताओ कि वेरिफिकेशन वाला चीज आया ना जी समझ में, आ गया ना वेरिफिकेशन, चलो ठीक है अब इसको नोट करो, बोलो अरे रंगीन पोर्शन में घुसल है, रंगीन से ना मतलब मेरा फिजिबल सॉल्यूशन रंगीन ना होता है जी, तब उदासीन नहीं होता रंगीन होता, रंगीन ये उदासीन पानी की बात कर रहा, देर इज नो कलर ऑफ पानी,
अच्छा बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है भाषा? काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं, ठीक है रे? एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार समय लगता है। यांत्रिक समय का मतलब जो काम हम लोग सीधे मशीन पर किए, और शिल्पकार का मतलब कुछ उसमें आदमी जो है ना, आदमी कुछ काम करता है। जैसे मान लो बैठे को मशीन काट दिया, लेकिन उसमें सरेस कागज या जो भी है पेंट सेंट करना पड़ता है ना, तो या उसके ऊपर जो है ना कि स्टिकर चिपकाना, रबर लगाना, वो सब तो शिल्पकार काम हो गया ना। तो क्या है कि एक टेनिस रैकेट बनाने में 1.5 घंटा मशीन का काम है, आया नहीं, और 3 घंटा शिल्पकार यानी कि उसमें आदमी का काम पड़ेगा। और एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटा यांत्रिक समय लगेगा, यानी कि मशीन पर कितना टाइम देना पड़ेगा, 3 घंटा, और 1 घंटा शिल्पकार का टाइम लगता है। शिल्पकार कितना टाइम लेता है? 1 घंटे का। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे उपलब्ध है। यानी कि कारखाने में यदि एक दिन की बात कीजिएगा तो 42 घंटे ही मशीन पर काम कर सकता है। एक दिन में कहिएगा सर 24 घंटा होता है ना, तो 42 घंटे का मतलब है कि एक ही मशीनों पर काम नहीं ना हो रहा है। मान लो एगो मशीन पे 5 घंटा काम किए, दूसरा मशीन पे 7 घंटा, तीसरा पे और कुछ, तो सब मशीन को जोड़कर 42 घंटा हो गया। बुझ गया ना, सब मशीन जोड़कर कितना हो गया, 42। समझ गया ठीक। और आदमी के लिए जो शिल्पकार का कितना टाइम है, 24 घंटा, मतलब एक दिन में आदमी कितना काम कर सकता है, 24। तो 24 घंटे काम करने का मतलब एक ही आदमी 24 घंटा काम नहीं करेगा, अरे 5-7 आदमी होगा, सबको मिलाकर 24 घंटा हो गया, नहीं सबको मिलाकर 24 घंटा, कुल मशीन मिलाकर मशीन के पास कितना घंटा है, 42 घंटा। या तो आप 42 घंटे यूज कीजिए या उससे कम यूज कीजिए, क्योंकि 42 घंटा से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। उसी तरह से आदमी को मैक्सिमम आप कितना यूज कर सकते हैं, 24 घंटा। या तो 24 घंटा यूज कीजिए या उससे कम, उससे ज्यादा आप नहीं सोच सकते। लिखन अधिक नहीं है, है या नहीं? यानी कि अधिक नहीं है, यानी कि वो या उससे कम। अब क्या कहता है, यदि रैकेट और बल्ले का लाभ क्रमशः 20 रुपया 10 रुपया हो, यानी कि रैकेट में 20 टका का लाभ हो रहा है और जो है बल्ले पे कितना, रैकेट पे कितना का लाभ हो रहा, 20 टका का, और बल्ले पे कितना का, 10 टका का। तो बोलता है कि कारखाने का अधिकतम लाभ होने के लिए आपको रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सूत्रीकरण करें, यानी कि सबसे पहले जो समीकरण बना हुआ रहता है ना सवाल बनाने के समय में, वो यहाँ पर आपको सूत्र निकालना है, यानी कि वो समीकरण बनाना है, और बनाने के बाद हल करने के लिए तो नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। समझ गए, हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो देखो बल्ला और तुम्हारा रैकेट और बल्ला है ना, तो मान लो कि x रैकेट बनता है और y बल्ला बनता है, क्या मानेंगे, रैकेट कितना बना, x, और बल्ला कितना, y। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ सुन, क्या करेंगे, माना कि, हाँ माना कि क्या लिखेंगे, हाँ कि इस तरह से कुल रैकेट, रैकेटों की संख्या बराबर x तथा आपका क्रिकेट के बल्ले, या सीधे देखो ना बल्ले की संख्या बराबर कितना हो गया, y। समझ गए, ये हो गया। देखो मैक्सिमाइज यहाँ पे रुपया पैसा, देखो लाभ, जब लाभ हानि बोले ना तो रुपया पैसा को मैक्सिमाइज करते हैं। लाभ हानि बोले तो किसको मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, रुपया पैसा, और समय बोलेगा तो फिर वो देखना पड़ेगा। ये भी चीज होता है कि मैक्सिमाइज किसको करना है,
मिनिमाइज किसको करना है, यहाँ पर लाभ बोल रहा है ना, यानी कि रुपया पैसा को करना है। तो रुपया पैसा देखो तो 20% रैकेट पे खर्च हो रहा है, नहीं बल्कि फायदा हो रहा है, और ऐसा रैकेट कितना है एक्स, यानी कि मैक्सिमाइज जेड बराबर रैकेट एक्स है ना, एक रैकेट पे कितना फायदा हो रहा है 20%, यानी कि 20x, और यानी बल्ले पर 5y बल्ला है और एक बल्ले पे कितना का हो रहा फायदा 10%, यानी कि प्लस हो गया 10y। ठीक है, सब्जेक्ट टू देखो, यदि सब्जेक्ट टू अपने से निकलता है तो ठीक, नहीं तो एने रफ में क्या कर लो, वहीं पर भी कर सकते हैं। देखो क्या करो, इस तरह से बांट लो, समझ गए, दो चीज है ना, बताते हैं समीकरण बनाने के लिए। देखो एक क्या है बेटा, एक तुम्हारा है टेनिस और एक बल्ला, हाँ समझ गए, इधर लिख दो कि रैकेट, कोई भी कहीं लिख सकता है रैकेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बल्ला, समझ गए। और देखो एने तुम्हारा क्या है, इधर यांत्रिक समय है और शिल्पकार समय है, कौन कौन सा समय है, यांत्रिक समय, यहाँ पर लिख दो यांत्रिक समय, और एको क्या है शिल्पकार समय, एक जगह कौन सा समय हो गया यांत्रिक और एक जगह शिल्पकार, समझ गए, ये तो यहीं से देख के लिखे ना, अब बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे देखो रैकेट, रैकेट देखो तो रैकेट जो है यांत्रिक समय रैकेट में कितना लग रहा है, डेढ़ घंटा, ये डेढ़ घंटा लग रहा है, और फिर जो है शिल्पकार समय कितना है, 3 घंटा, शिल्पकार समय 3 घंटा है। ठीक है, अब देखो तो बल्ला तैयार करने में यांत्रिक समय कितना है, 3 घंटा, तो बल्ला तैयार करने में यांत्रिक समय 3 घंटा, और शिल्पकार देखो तो कितना है 1 घंटा, ये भाई साहब हो गया घंटा। ठीक है, अब देखो तो तुम्हारे पास क्या चीज उपलब्ध है, तुम्हारे पास यांत्रिक समय कितना है 42, यांत्रिक समय एन एन लिखे हम, एन एन लिख देंगे कितना 42, ठीक है 42 घंटा हो गया, और एन शिल्पकार समय कितना है 24, ये कितना है 24। अच्छा लिखा हुआ है, आप इतना या इससे कम यूज कीजिए, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, यानी कि लेस देन इक्वल टू वाला है, ये कौन सा केस है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि मैक्सिमम आपके पास 42 घंटा है, 42 घंटा यूज कीजिए या कम यूज कीजिए, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो अब आराम से बन जाएगा, देखो तो तुम्हारा जो है ना रैकेट को क्या माना है एक्स, ये तुम्हारा x हो गया और ये कितना हो गया y, तो देखो na दिया हुआ है ना, na समीकरण बनेगा, na कितना हो गया बोलो तो 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू कितना 42, हां या नहीं, na बोलो तो 3x प्लस y बोलो कितना हो जाएगा 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू कितना 24, और किसी भी हालत में एक्स वाई तुम्हारा बल्ला है रैकेट है, या तो बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा, हाँ या नहीं, या तो बनाएंगे तो एक से जीरो से ज्यादा होगा, नहीं बनाएंगे तो जीरो होगा, लेकिन माइनस में कभी भी ये नहीं हो सकता, और इस प्रकार से बोलो 1, 2, 3 ये कितना हो गया 4, अब देख बोलो सेकंड में अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं कॉमन लेने वो और इजी हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कॉमन ले लेगा, फिर कॉमन है ना 3, ज्यादा आसान आ जाएगा, आई श्योर ठीक है, ऐसे भी ठीक है, देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत, ऐसे भी कर सकता है वैसे भी कर सकता है। अब देखो ए सुनो, इससे पॉइंट निकाल लो तो 2 से पॉइंट निकालो तो कितना मिलेगा पॉइंट, देखो एक्स वाई एक्स जीरो तो वाई कितना हो जाएगा एक, नहीं ना पहले पहले एक्स जीरो रखो ना, पहले क्या रखेंगे जीरो एक्स, वाई बोलो तो कितना मिलेगा 34 42, और वाई जीरो रखो तो तुम्हारा 42/15 ना ऊपर चला गया, 15 दुनी
तीस है या नहीं? 15 × 30 28 28 और कितना 12 ना हो गया, 12 यानी 20, 120, 15 8 20 आ गया, ये तुम्हारा कितना हो गया 28। चलो ये निकाल लिए, अब फिर इसको निकालो, 3 को सॉल्व करो। सर टाइम बचेगा सर, ऐसे भी दे दीजिए। देखो 3 को निकालो तो कितना हो जाएगा बोलो तो, ये एक्स वाई एक्स जीरो एक्स जीरो तो वाई कितना हो गया 24 हाँ या नहीं, और वाई जीरो तो 8 हो गया हाँ या नहीं। चलो इतना हो गया ना, अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ को क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक। देखो ग्राफ बनाओ, ये एक्स वाई ये वाई ये जीरो, एक्स बोलो तो मैक्सिमम कितना है 28 है आया ना, बोलो एक्स मैक्सिमम कितना है 28 है, एने लिख दो तुम कहीं 28, ठीक है। वाई बोलो तो मैक्सिमम कितना है 24, वाई मैक्सिमम कितना बोलो तो 24 लिख दिए। अब एक एक करके पॉइंट देखो, तुम्हारा 0 14 एक्स जीरो मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे 14 तो मोटा मोटे यहां पर आएगा, लिख दो ये 0 और 14 इसका नाम दे दो ए। फिर कहता है कि y 0 है यानी x एक्सिस पे 28, x एक्सिस पे कितना बोलो तो 28 इसका नाम दे दो b, और ऐसा करो मिल गया इसको मिला दिए, इसका समीकरण का नाम बोलो तो ये कितना बोलो तो 1.5x प्लस 3y बराबर 42, 5 4 नंबर तक हुआ है ना, इसको 5 ले लो सर। अच्छा बोलो ये सही है कि गलत? सही है सर। 0 0 रखो तो 0 लेस देन 42 सही ना जी, x 0 रखो y 0 रखो तो 0 42 से छोटा होता है कि नहीं, सही है तो किधर आएगा मूल बिंदु की तरफ। दूसरा देखो तो 0 24 ये वाला हो गया आया नहीं, 0 24 इसका नाम दे दो C, x 0 है इसका मतलब y एक्सिस, x 0 है मतलब y एक्सिस पे 24, और 0 8 यानी y 0 मतलब x एक्सिस 8 एने कहीं ना होगा यानी कि 8 0 इसका नाम दे दो B, और क्या करो कि इसको मिला दो, ठीक है, और समीकरण का नाम जरूर लिखना। यस सर। समीकरण बोलो तो 3x + y बराबर कितना हो गया 24, इसका नाम दे दो 6, क्या नाम दे दिए 6। ये भी देखो तो x 0 रखो y 0 रखो तो 0 + 0 = 0, 0 24 से छोटा है ना जी, ये सही है यानी कि मूल बिंदु की तरफ, तो ये वाला कॉमन रीजन मिल गया हाँ या नहीं। देखो तो ये कौन सा रीजन मिला कॉमन, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया ना, आया ना बोलो कौन सा पॉइंट आया एक्स्ट्रा, इसको निकालो तो मुझे वाली निकालो तो ए सुनो इसमें 2 से गुना कर दो ए, देखो कैसे निकलेगा कि 5 में गुना कर दो 2 से और 6 को घटा दो तो 15 × 30 यानी कि 3x + 6y बराबर माइनस, ये क्या किया बोलो तो उसको अभी छोड़िए इधर माइनस के माइनस 3 × 6 2 से गुणा किया ना, 2 × 2 कितना 4, 4 × 8 इधर तुम्हारा 3x + y = 24 माइनस 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 5y बराबर कितना 60 यानी y बराबर 12 हाँ या नहीं, और y का मान यहाँ पे 12 रख दो तो 24 से 12 गए कितना 12 चार की यही बार यानी कि x बराबर कितना 4 ना, x बराबर कितना हो गया 4 हाँ यानी बोलो कैसे, y के जगह पे क्या रखे 12 तो 24 से 12 गया 12 तो 4 की यही 12 x कितना मिला 3 यानी कि x 4 मिल गया और y कितना 12 x तुम्हारा कितना मिला बोलो तो 4 और y कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया जरा जल्दी से क्वेश्चन उतारो तो, ठीक है ये मिटाकर फिर हम बताते हैं, चलो जल्दी से करो। hey, चलो अब हम लोग क्या निकालते बोलो तो कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर जेड बराबर बोलो तो कितना है 20x + 10y
टेन वाई। चलो एक एक करके पॉइंट बोलो तो ए कितना है, जीरो फोर्टीन। ए बोलो तो कितना है, जीरो फोर्टीन, हाँ या नहीं जी। फिर ओ बोलो तो जीरो जीरो, ओ तुम्हारा हो गया जीरो जीरो, सब बोलो। और बी बोलो तो एट जीरो, हाँ या नहीं। और इसका नाम ई दे दो, ई कितना हो गया बोलो तो, ई हो गया चार बारह, हाँ या नहीं। चलो ई चार बारह, चलो वैल्यू निकालो तो ए, चलो वैल्यू निकालो, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो खत्म ना। यहाँ पे चौदह गुना दस कितना, एक सौ चालीस। चौदह गुना दस बोलो कितना हो गया, एक सौ चालीस। ये तो दोनों जीरो कर देगा ना, एक्स जीरो रखेगा तो जीरो, वाई जीरो रखेगा तो जीरो, जीरो हो गया। या आठ दो कितना, सोलह, जेड बराबर एक सौ साठ। ताकि वाई के जगह पे जीरो रखेगा तो खत्म हो जाएगा, हाँ या नहीं। और यहाँ पर देखो तो जेड बराबर ये चार दुनी अस्सी और एक सौ बीस, यानी कि दो सौ हो गया। बोलो तो कितना हो गया, दो सौ, हाँ या नहीं। और हम लोगों को क्या निकालना था, मैक्सिमम। ये भाई साहब मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो गया मैक्सिमम। लिखेंगे देयर फोर मैक्सिमम जेड या जेड मैक्सिमम, दो सौ रुपया बराबर हो गया, पैसा ना है दो सौ रुपया, हाँ या नहीं। कहाँ पे ए एक्स बराबर चार एंड वाई बराबर बारह। कहने का मतलब है कि रैकेट कितना बनाएंगे, चार गो, और बल्ला कितना बनाएंगे, बारह गो। जबकि देख लो बल्ला बनाने पर दस रुपया की आमदनी हो रहा, रैकेट बनाने पे बीस रुपया। लेकिन फिर भी जो है ना फायदे के लिए रैकेट को क्या करेंगे हम लोग, कम बनाएंगे, और बल्ले को क्या करेंगे ज्यादा। देखो मार्केट में इतनी सारी जो गाड़ियां सब आती है ना, एक एक कंपनी का आठ गो दस गो गाड़ी आती है। महिंद्रा के ले लो, जाइलो है, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, और फलना ढिकना सब है। वो बेटा इसी से डिसाइड करता है, वो इसी से डिसाइड करता है कि कौन सी गाड़ी कितना बनाए ताकि उसको ज्यादा फायदा हो, है या नहीं। सबसे ज्यादा कौन बिकता है, स्कॉर्पियो, है या नहीं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि स्कॉर्पियो को ही बहुत ज्यादा बनाए, हो सकता है दूसरे में उसको ज्यादा मार्जिन मिलता हो, ठीक। तो अतः क्या लिखेंगे, दैट इज रैकेटों की संख्या बराबर कितना हो गया, चार, बल्लों की संख्या बराबर बारह, और यही आपका हो गया, ठीक है। इसको नोट करो, चार।